जयरंगम टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ बुलाया और ये अवसर दिया बात करने के लिए। मेरे लिए ये बहुत खास मौका ये है कि अतुल सत्य कौशिक लगभग जमाने से मुझे अपना नाटक दिखाना चाहते थे और हम लोग दिल्ली में रहते हुए भी शायद कभी उनका नाटक नहीं देख पाए, और जो हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में काम करते हैं और या जो थिएटर की गंभीर दुनिया में जितने काम करते हैं तो आमतौर पर हम उन प्रयासों को अनदेखा करते हैं जिसमें हमारे जैसे फिल्म और नाटक समीक्षकों का भी बहुत बड़ा अपराध है कि हम जो व्यावसायिक स्तर पर जो बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं हमारे देश में हम उसको अनदेखा करते हैं। हम समझते हैं कि 10-20 लोगों के बीच कुछ बहुत महान बौद्धिक किस्म का कोई नाटक हो जिसको स्टूडियो थिएटर में हम देखते हैं और उसके बारे में खूब महान किस्म की कुछ समीक्षाएं लिखते हैं जिसके महान किस्म के शब्द महान किस्म के पाठकों की समझ से निकल जाते हैं। तो आज हम बात करें इसमें खासतौर से जब हमारे बीच टेलीविज़न और रंगमंच के अभिनेता नीतीश भारद्वाज मौजूद हैं तो सबसे पहले क्योंकि यह विषय बहुत ही विकराल और विशाल है, इसमें पूरा भारत है, महाभारत और चक्रव्यूह में पूरा भारत है, तो हम ये सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा रंगमंच की दुनिया पर केंद्रित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बातचीत की शुरुआत में हम ये या तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं वो शुरू में कुछ अपना वक्तव्य दें उसके बारे में और फिर हम रंगमंच के चक्रव्यूह की थोड़ी बहुत बात करें और फिर हमारा जो ये श्रोता दर्शक समुदाय है वो उसमें कुछ हस्तक्षेप करे। तो अतुल सत्य कौशिक के ये चक्रव्यूह की जो अवधारणा नाटक की आपके मन में आई और इतने बड़े पैमाने पर आई क्योंकि मेरी जानकारी में शायद दिल्ली का आपका अकेला ग्रुप है जो बॉक्स ऑफिस पर इतना ज़्यादा टर्नओवर प्रोड्यूस करता है, शायद मुझे ध्यान नहीं है, सरकारी संस्थानों को छोड़ दें, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को जिसका बजट 80 करोड़ का है उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी दिल्ली में तो मैंने नहीं सुना। तो ये कैसे ये आपने प्लान किया और क्यों चक्रव्यूह किया, इससे बात शुरू करते हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बिना किसी भूमिका के मैं सीधा सर के सवाल पर आता हूँ। मैं पेशे से सीए हूँ, मैंने वकालत भी पढ़ी है, तो फाइनेंस और लॉ मेरा प्रोफेशन है, लेकिन बचपन से ही थिएटर करने का, कहानियाँ सुनाने का, जैसे आप इकट्ठा हैं ऐसे कुछ लोग इकट्ठा करके कभी कुछ कहानी सुना दी कभी कुछ नाटक खेल दिया, ये शौक था। कॉलेज में थिएटर किया, उसके बाद आगे बढ़े, डिसाइडेड था कि लाइफ में कुछ भी करेंगे थिएटर हमेशा साथ में चलता रहेगा। 2006 में मैंने NSD, FTII, डिपार्टमेंट ऑफ थिएटर पंजाब सब जगह अप्लाई किया बिकॉज मैं चाहता था कि एक थिएटर की ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन मुझे मिले, लेकिन किसी ना किसी शब्दों में सभी ने लगभग यही कह दिया कि आपके साथ जो फिज़िकल प्रॉब्लम है उसके चलते आप थिएटर नहीं सीख पाएंगे। तो मेरा यही जवाब था कि आप नहीं सिखा पाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं सीख पाएंगे। मैं क्या सीख सकता हूँ ये तय करने का हक सिर्फ मुझे है, हमारे खुदा को है, आप नहीं तय कर सकते। तो बस, और किसी बदले की भावना से नहीं, किसी को कुछ साबित करने की भावना से नहीं, क्योंकि थिएटर करना था, सब रास्ते बंद हो गए तो खुद अपना रास्ता खोला, अपना ग्रुप बनाया, नाटक करने शुरू किए। थोड़ी बहुत समझ फाइनेंस की थी तो ये हमेशा से तय रहता था कि भाई कितना खर्चा होगा, उस खर्चे का इंतज़ाम कैसे किया जाएगा, अगर नफ़ा हुआ तो क्या होगा, नुकसान हुआ तो क्या होगा, वो सब बातें जो हैं तय करके 3-4 साल नाटक करे, उसके बाद थोड़ा थोड़ा बात समझ में आई कि नाटक जितना भी अच्छा हो उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे क्रेडिबल चेहरे, कुछ ऐसे कलाकार जिनके व्यक्तित्व में एक विश्वसनीयता हो, उनको साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी रहेगा। तो ये नाटक चक्रव्यूह पहले अर्जुन का बेटा नाटक नाम से किया जाता था, 2-3 साल हमने किया, फिर इसके मैंने चक्रव्यूह के रूप में वापस लिखा। फिर नीतीश भारद्वाज साहब को मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कृष्ण के रूप में, और सिर्फ मैं ही नहीं, आप सब भी अगर आज आंख बंद करते हैं और कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो जो पहली छवि आपके जहन में आती है वो अमूमन नीतीश साहब की ही होगी। तो इनको हमने कृष्ण के रूप में हमेशा हमारी कल्पना में आते रहे हैं। तो ये एक एक ख्वाब था कि भाई कितना अच्छा हो कि मैं नाटक में कृष्ण का रोल नीतीश जी करें। तो उसी विचार से मैंने सर को फेसबुक मैसेज किया, सर ने उसका रिप्लाई किया कि आप बॉम्बे कब आ रहे हैं, तो कुछ एक महीने बाद हम बॉम्बे गए, सर के साथ बैठे। सर क्योंकि खुद लेखक रहे हैं, डायरेक्टर रहे हैं, तो उनका अपना एक विजन है। नाटक पढ़ा, नरेशन हुआ, उन्होंने उसमें काफ़ी सुझाव दिए कि इसमें इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको वैसा कर सकते हैं, सर के सुझाव मैंने नोट किए, वापस से नाटक को लिखा, फिर हमने रीड किया और ये तय किया कि इस नाटक को साथ करते हैं।
नाटक को हमने शुरू किया। आज इस नाटक का शायद 72वां या 73वां मंचन है और सर के साथ काम कर एक नई दिशा मुझे मिली। फिर हर नाटक में कोई ना कोई एक विश्वसनीय चेहरा मेरे साथ जुड़ता चला गया। और जैसा कि सर ने कहा कि हमने कमर्शियल थिएटर को बहुत गंभीरता से लिया। दिल्ली में आज से 4 साल पहले 200 रुपये का टिकट बेचना भी बड़ी बात थी, आज हम 2000 रुपये का टिकट बेच रहे हैं और लोग उसको खरीद रहे हैं। और वो इसलिए हो पा रहा है बिकॉज हमको अपने काम पर कॉन्फिडेंस है कि हम आपको वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। और जैसे दीपक सर का ये बहुत बड़ा प्रयास है कि जयपुर में फेस्टिवल हो रहा है उसका टिकट लगाया जा रहा है, वरना बहुत फेस्टिवल दिल्ली में होते हैं सब फ्री में होते हैं। और मैं समझ नहीं पाता कि जब आर्टिस्ट अपना पूरा दिन जो जिस समय में वो काम करके कुछ अर्निंग कर पाता, अगर वो समय वो थिएटर को दे रहा है तो वो पैसा कमाने फिर कहीं और क्यों जाए। तो इस कोशिश से हम लोग काम कर रहे हैं। आप जैसे लोगों का हमको मोहब्बत मिल रही है, प्यार मिल रहा है, सर लोग का आशीर्वाद है। तो नाटक चल रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आते रहेंगे। आज शाम को आप देख रहे हैं और कोशिश रहेगी सर ऐसे ही हम लोग काम करते रहें।